सूरज लखनऊ के चिड़ियाघर में सफाई का काम करते थे। पिछले 12 सालों से लगातार वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। 18 दिसंबर सोमवार के दिन भी वो अपने घर से काम के लिए निकले, लेकिन शायद उस सुबह उनके घर वालों को या खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। मगर इस बार वो वापस लौट कर नहीं आए। आई तो बस एक खबर कि सूरज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब तक घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक सूरज अपनी आखिरी सांसें ले चुके थे। इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक नौजवान के साथ ऐसा हादसा हो गया। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सूरज पर चिड़ियाघर में एक हिप्पो ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लखनऊ के चिड़ियाघर में बीते कुछ दिन पहले कानपुर से एक हिप्पो को लाया गया था। पहले हिप्पो को कुछ दिन आइसोलेशन में रखा गया, उसके हाव भाव, उसकी दिनचर्या को समझा गया, फिर उसे एक बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। सूरज जब सोमवार के दिन हिप्पो वाले बाड़े में सफाई करने गए तो हिप्पो ने सूरज पर एकाएक हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि सूरज उसमें बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में सूरज को हजरतगंज स्थित सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में सूरज की मौत हो गई। सूरज के साले विकास ने बताया कि सूरज अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी भी है। हम लोग घर पे थे, ये ड्यूटी पे गए थे सुबह। सुबह जाने के बाद उसके बाद पता नहीं क्या हादसा हुआ। हम लोग को उन्हीं कर्मचारी लोगों ने बताया कि जाए आप लोग यहाँ आ जाइए। फिलहाल हमको तो फिलहाल वहाँ पे जानकारी नहीं बताई गई थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। तो कैसे क्या हुआ था चिड़ियाघर के अंदर, क्या कर्मचारियों ने बताया? कर्मचारियों ने यही बताया कि जाए हिप्पो के बाड़े में गए थे और एकदम से हिप्पो ने जाए अटैक कर दिया उनके ऊपर और दर्दनाक तरीके से मौत हो गई उनकी, बता रहे। उनके परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है और एक बेटी है। और समझ लिए कमाने का जरिया खाली एक वही थे। अब उनके बाद कोई है भी नहीं इनके घर में। हिप्पो के हमले में राजू वाल्मीकि भी घायल हुए। राजू भी चिड़ियाघर में काम करते हैं। सूरज लखनऊ के कैंपेल रोड पर रोड़ा थाना क्षेत्र ठाकुरगंज के रहने वाले। सूरज को अपने काम के लिए हर महीने सिर्फ 5500 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। इसी कमाई से उनके घर वालों का पालन पोषण होता था। इसी कमाई से वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इसी कमाई से वो अपना घर चलाते थे। मगर अब सूरज के घर में ये कमाई भी नहीं आएगी। सूरज की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी बयान नहीं दिया गया। उनके निदेशक अदिति शर्मा खुद सिविल हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके की मदद या किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। नहीं पता कि सूरज के परिवार को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। पता बस इतना है कि चिड़ियाघर में सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही के चलते एक माँ ने अपना बेटा, एक पत्नी ने अपना पति, दो बच्चों ने अपने पिता खो दिए। आपको इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी रजत पांडे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तिल लल्लन टॉप।